डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे चैनल फ्रॉम जेपी यादव में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और आप सभी के लिए एक जो है कि नोटिफिकेशन है, आप इसको अच्छे समझिए या बुरा, बैड न्यूज हो सकता है। तो ये है कि जो जिन लोगों का पिछले साल जो NMMSC क्लास का जो अपना एग्ज़ाम दिलाए थे, NMMSC का और NTSC का, है ना, नेशनल मिस का मेरिट परीक्षा की जो तैयारी कर रहे थे, उन स्टूडेंट जब एग्ज़ाम दिलाए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आए, तो उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो इस साल रिजल्ट का तो कोई अता पता नहीं, कोई एक फिक्स डेट निकल के आ ही नहीं रहा है, ना तो रिजल्ट कब आएगा ऐसा कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा है, और मिल रहा है तो पूरा बैड नोटिफिकेशन मिल रहा है। अब आज के इस वीडियो में और क्या बैड नोटिफिकेशन निकले, मैं उसको आज के इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलो आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरा नाम जान लीजिएगा, मेरा नाम है जयप्रकाश यादव, और मेरे इस यूट्यूब चैनल फ्रॉम जेपी यादव में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, मेरे इस चैनल में मैं NTSC और NMMSC जो नेशनल कम मेरिट परीक्षा की जो तैयारी है उससे तैयारी कराता हूँ, और उससे जो भी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन निकलता है, मैं उन सभी से रिलेटेड इस वीडियो चैनल में वीडियो अपलोड करता हूँ। तो हमारे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव को NMMSC और NTSC की तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको नेशनल मिस कम मेरिट परीक्षा से जुड़ी अपडेट सबसे पहले आज तक पहुँचे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि NTSC जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में जो NTSC जो रिजल्ट है वो रिजल्ट घोषित तो हो चुका है ना। यह मैंने आपको वीडियो बताया है, और किस तरीके से रिजल्ट चेक करना है ये चीज भी मैंने आपको बताया उसी वीडियो में, है ना। जो ऑफिशियल वेबसाइट है SCERT CG.gov, वो है, इस वेबसाइट में NTSC का रिजल्ट आ गया है, ठीक है। स्टेज वन में उसके रिजल्ट आ चुका था, उसका रिजल्ट घोषित हो गया था। तो अभी अभी न्यू एक नोटिफिकेशन निकला है, जो NTSC का जो एक्सपेक्ट में रिजल्ट है वो जो घोषित हो चुका था रिजल्ट, है ना, स्टेज वन में, उस रिजल्ट को अब निरस्त कर दिया गया है। उसका मैं लाइव प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा मोबाइल के स्क्रीन पे कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है ना। तो मैं उसको प्रूफ भी दिखाऊंगा, बट यहाँ पे जो नोटिफिकेशन निकला है वो ये है कि जो NTSC का जो रिजल्ट आया था, उस स्टेज वन में जो रिजल्ट आया था NTSC का छत्तीसगढ़ का, तो उस रिजल्ट को निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, जो NTSC का रिजल्ट है, जो स्टेज वन में रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट को निरस्त कर दिया गया है। आप इसको अच्छे समझिए, पूरा साला विश्वास ही नहीं हो रहा कि रिजल्ट कब आएगा न कब। NMMSC का तो अभी छोड़ो, उसका तो कुछ नोटिफिकेशन ही नहीं बता रहा है कि उसका रिजल्ट इस दिन आएगा, है ना। तो एक प्रकार से गुमराह कर रहे हैं कि आ जाएगा, कल आएगा, वेट कर रहे हैं, बट रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, क्या हो गया। हो सकता है लॉकडाउन के कारण देर भी हो जाए, बट अभी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत बैड निकला है ना, कि रिजल्ट आने के बावजूद उसको निरस्त कर दिया गया है, ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल वेबसाइट में, है ना। तो चलो मैं उसको आपको दिखा देता हूँ प्रूफ, है ना, ताकि आप भी जानो कि एक्चुअल में वेबसाइट में है क्या क्या दिया है ना। मैंने स्टेज वन में बताया कि उसका रिजल्ट जो चयन सूची है, सिलेक्टेड लिस्ट है, उस PDF का लिंक भी मैं प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया था, और आप लोग चेक भी किए होंगे। तो NTSC का जो रिजल्ट है 2021 का छत्तीसगढ़ का, वो जो रिजल्ट घोषित हो चुका था, उसको एक बार फिर से निरस्त कर दिया गया है। अब क्या है वेबसाइट SCERT की मांग, देखते हैं। तो चलो मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ, ताकि आप यकीन करें कि ऐसा नोटिफिकेशन निकला है ना। तो चलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो अपना प्रूफ है उसको भी प्रूफ दिखा देता हूँ, और यही मैं आज के इस वीडियो में आपको बताना था कि जो NTSC का जो रिजल्ट घोषित हो चुका था छत्तीसगढ़ का 2020-21 का, वो रिजल्ट को अब निरस्त कर दिया गया है, ऐसा
ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट में sert.cg.gov.in में बताया गया है। मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन में चल के उसको बता दूंगा और उस नोटिफिकेशन को बाकायदा एक लेटर में बता करके दिया गया है। सीन्स एंड सब चीज़ें मैं उसको PDF का लिंक भी इस लिंक के जो वीडियो है उस लिंक के इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो चलो जो प्रूफ है मैं उस प्रूफ को दिखाता हूँ। ठीक है, और इतने बैड न्यूज आ रहे हैं, क्या हो गया पता नहीं। ठीक है, तो चलो मैं प्रूफ दिखा देता हूँ, है ना। तो चलो प्रूफ देखते हैं। और हाँ दोस्तों, INTSC का जो रिजल्ट घोषित हो चुका था 36 का, वो रिजल्ट अब जो है कि निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, तो उसका प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में आप दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो प्रूफ है INTSC का, जो रिजल्ट छत्तीसगढ़ का आ चुका था, वो रिजल्ट अब निरस्त कर दिया है। इसका लाइव प्रूफ मैं आपको अपने स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाता हूँ। आप ये चीज़ अपने मोबाइल पे भी देख सकते हो। तो किस तरीके से देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में जो क्रोम ब्राउज़र होता है ना, क्रोम ब्राउज़र को सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, है ना। क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो सर्च बार है, ये वाला सर्च बार सबके मोबाइल पे ये चीज़ होता है, यहाँ पे हमको सर्च करना है। ठीक है, तो ये चीज़ मिल जाएगा, तो सर्च करिएगा S, है ना, SCERT, है ना। उसके बाद करना .cg.gov.in, ये चीज़ सर्च ये यहाँ पे डबल एस हो गए, तो ये चीज़ सर्च करने के बाद आपको सर्च कर देना है। ठीक है, सर्च करने के बाद ऐसे छोड़ देगो तो इस तरीके से जब पेज ओपन होगा, है ना, इस प्रकार से कुछ पेज ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद ओपन होगा तो आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक जो यहाँ पे एग्ज़ाम रिजल्ट एक टॉप एक मिले, तो जब यहाँ पे एक आपको एग्ज़ाम रिजल्ट का एक टॉपिक यहाँ पे आपको मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे एग्ज़ाम रिजल्ट का एक टॉपिक मिला। ठीक है, तो इसमें है एक हमारा NMMSC या NTSC एग्ज़ाम, तो दोनों पे आप क्लिक करोगे तो वही चीज निकलेगा। तो हम NTSC एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जानना है तो हम NTSC पे क्लिक करेंगे। NTSC पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस वीडियो में एक NTSC 2021 स्टेज 1 चयन सूची ये था ना, तो यहाँ पे एक न्यू नोटिफिकेशन निकले हैं, NTSC 2021 स्टेज 1 चयन सूची निरस्त हेतु सूचना, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरीके से क्लिक करेंगे तो इसका जो PDF है, इस PDF को यहाँ पे जो डाउनलोड करने का जो ऑप्शन यहाँ पे है, वहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये चीज़ अब ओपन होता है। अब देखिए वहाँ पे क्या बताया गया है, देखो ध्यान से पढ़ो। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC 2021 स्टेज 1 सूचना चयन परिणाम सूची निरस्त। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, दिनांक 11/6/2021 को घोषित हो गया था रिजल्ट राष्ट्रीय प्रतिभा खोज NTSC का स्टेज 1 जो चयन सूची है, उस सूची में त्रुटि होने के कारण जो परिणाम है उस परिणाम को निरस्त किया जाता है। संशोधित चयन सूची जो परिणाम सूची है उसको राष्ट्रीय अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नई दिल्ली द्वारा अनुमोदन पश्चात वेबसाइट www.cert.cg.gov.in पर जारी किया जाएगा। और यहाँ पे NCERT के जो जो संचालक है उनका यहाँ पे साइन भी है। तो ये आपका लाइफ प्रूफ रहा। तो दोस्तों, ये प्रूफ मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये NTSC का रिजल्ट, जो NTSC का रिज़ल्ट है, वो रिज़ल्ट अब निरस्त कर दिया गया है। ये एक बैड न्यूज़ है, रिज़ल्ट आने के बावजूद रिज़ल्ट को निरस्त कर देना, और मुझे तो अब शायद ही लग, बट आना चाहिए ये चीज़, है ना। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है, जो भी होगा अच्छा के लिए होता
है ना, और आगे भी अच्छा ही होगा, ये सोचो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में मैं जो एनटीएससी का जो रिज़ल्ट था वो रिज़ल्ट निरस्त कर दिया गया है, उसी की जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश किया हूँ। तो आज के इस वीडियो में इतने दोस्तों, कुछ भी और नया नोटिफिकेशन निकलेगा तो हम उसका वीडियो ज़रूर लाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल फ्रॉम जेपी यादव के साथ बने रहना, और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।